मंदसौर नगर पालिका और कोतवाली पुलिस और तहसीलदार के नेतृत्व में टीम बनाकर शहर में जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं की जा रही है उन लोगों पर चालानी कार्रवाई। जिन दुकानों पर कर्मचारी दिखे बिना मास्क के उनकी दुकानों को किया प्रशासन ने सील। तहसीलदार के नेतृत्व में धान मंडी क्षेत्र में मंदसौर जिले में लगातार तेजी से कोरोना मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। उसी का पालन करते हुए शहर में अब नगर पालिका पुलिस और तहसीलदार के नेतृत्व में सामूहिक कार्रवाई करते हुए धान मंडी क्षेत्र में जिन दुकानदारों द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एक दुकान को प्रशासन द्वारा सील किया गया है क्योंकि कर्मचारी द्वारा मुंह पर मास्क नहीं लगा रखा था। दुकान के मालिक का कहना है कि पहले ही धंधा नहीं चल रहा है और अब प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है जो कि गलत है। दुकान के मालिक का कहना है कि कर्मचारी बोरी उठा रहा था उस समय उसके मुंह से मास्क हट गया और प्रशासन ने कार्रवाई कर डाली। तहसीलदार मुकेश सोनी का कहना है कि जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं और एक दुकान को भी सील किया गया है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी क्योंकि लगातार नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि लगातार तेजी से फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उसी को देखते हुए लोगों को नियम का पालन करना जरूरी हो गया है। बुधवार रात को भी 98 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं मंदसौर जिले में मिले हैं। इसीलिए सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि कोरोना की बीमारी गंभीर है पर लोग समझ नहीं रहे हैं और आज भी लोग बिना मास्क के ही शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर धान मंडी क्षेत्र मंदसौर में एक दुकान को सील किया गया है और इसी प्रकार से जहाँ जहाँ उल्लंघन पाया जाएगा और तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी और अर्थदंड भी वसूल किया जा रहा है। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है बिना मास्क के कहीं पर भी ना निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जहाँ नहीं किया जा रहा है वहाँ पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। कितने समय के लिए दुकान को सील किया जाएगा ये देख लेंगे, नियमानुसार जो भी होगा वो कार्रवाई होगी। क्या कुछ नियम बन गया है कि कितने घंटों के लिए, कितने दिन के लिए बन नहीं? ये विवेक पर है, ये न्यायालय के विवेक पर है। धन्यवाद। कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। लोगों से विगत 2 दिवस से अपील की जा रही थी कि मास्क लगाकर घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी तारतम्य में आज तहसीलदार सोनी और नायब तहसीलदार मृणालिनी तोमर और उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित हुई है। जिन दुकानदारों द्वारा कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और एक दुकानदार की दुकान सील की गई है। क्या कहेंगे सर, अब कर दिया सील, अब उसके बाद क्या कहेंगे? किस बात को लेकर? पहले तो धंधे नहीं चल रहे हैं। किस बात को लेकर? वो एक लड़के ने वो बोरी तोक रहा था तो उसने मास्क नीचे कर लिया था तो उसका चालान बना रहे थे तो हमने मना कर दिया कि नहीं बनाएंगे चालान, भैया मास्क लगा लिया है तो भी सील कर दिया। क्या मानते बस कहीं नहीं, व्यापारियों के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, क्या कर सकते उसके लिए। क्या नाम आपका? मुस्तफ़ा।